ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया है ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए, जो कि पूरी तरह आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्बिट्ररी है और इलीगल है। नमस्कार, बीपीएससी शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आता है उसके बाद लगातार सवाल के घेरों में दिखता है, चूंकि अभ्यर्थी परेशान नजर आते हैं और दर बदर भटकते हैं, कभी किसी मंत्री के पास जाते हैं तो कभी बीपीएससी कार्यालय के पास जाकर के प्रदर्शन करते हैं तो कभी हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हो जाते हैं। अभी हमारे साथ हाईकोर्ट अधिवक्ता जगजीत रोशन जी, इनसे हम लोग बातचीत करेंगे। चूंकि 5% सीटेट में रिजर्वेशन की मांग को लेकर के अभ्यर्थी इनके पास पहुंचे थे, इसके बारे में क्या अपडेट है आपको बताना चाहते हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। यह जो केस है सीटेट में 5% रिजर्वेशन की मांग, चूंकि पहले रिलैक्सेशन की मांग कर रहे थे लेकिन अब रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, तो इस केस को आप कैसे देखते हैं? ईडब्ल्यूएस के लगभग 30 अभ्यर्थी हमारे पास आए हैं जिनकी तरफ से आज हम पटना उच्च न्यायालय में याचिका फाइल कर रहे हैं और ऑलमोस्ट रेडी है, कॉपी सर्विस आज हो रहा है और केस फाइल हो रहा है। हम लोग का मुख्य डिमांड है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो बीपीएससी ने इतने बड़े डिस्क्रिमिनेशन किया है, जो कि आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है। अच्छा। जिसमें ईडब्ल्यूएस की जो महिला अभ्यर्थी है उनको क्वालिफाइंग में इन्होंने 5% रिलैक्सेशन दे दिया है, जबकि पुरुष अभ्यर्थियों को वो 5% रिलैक्सेशन नहीं दिया है। ये आश्चर्य की बात है कि अगर शेड्यूल कास्ट महिला और पुरुष के लिए तो सेम कट ऑफ होना चाहिए, सेम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए, तो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया गया है ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों के लिए, जो कि पूरी तरह आर्टिकल 14 और 16 का वायलेशन है, डिस्क्रिमिनेटरी है, आर्बिट्ररी है और इलीगल है। सर देखिए, तमाम अभ्यर्थी तमाम मुद्दों पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने को मजबूर हैं, चूंकि जब से रिजल्ट आया है, तो सर इस रिजल्ट में इसको कैसे देखते हैं? चूंकि ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया है, एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया गया, मतलब तमाम कैटेगरीज को रिजर्वेशन दिया गया सिवाय ईडब्ल्यूएस को। आश्चर्य की बात है कि यही बीपीएससी और यही सरकार ने इससे पहले हेडमास्टर की बहाली हो या हेड टीचर की बहाली हो या इसके बाद की भी बहाली, उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को 5% रिलैक्सेशन दिया गया है, मेरिट में भी और सीटेट में भी, लेकिन इस बहाली में पता नहीं क्यों इसकी कोई चर्चा ही नहीं की गई है। और जब क्लेरिफिकेशन भी दिया गया है तो हर कैटेगरी का क्लेरिफिकेशन दिया गया है ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, तो ये मेल अभ्यर्थियों के साथ, खासकर मेल अभ्यर्थियों के साथ पूरी तरह से अन्याय किया जा रहा है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को कहा जा रहा है ओपन, खोला जा रहा है कि इसमें सारे कैटेगरीज इसमें घुस सकते हैं, ये तो सबसे आश्चर्य की बात है। जो हमारे लगभग मोर देन 50% अभ्यर्थी हैं जिन्होंने कट ऑफ मार्क से ऊपर नंबर लाया है, उनका चयन नहीं हो रहा है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, ऑल्दो दे हैव सिक्योर्ड मोर देन द कट ऑफ मार्क्स, एज जो बीपीएससी ने कट ऑफ 56 नंबर कट ऑफ दिया है उससे ज्यादा हमारे अभ्यर्थियों का नंबर है, लेकिन जस्ट बिकॉज महिला को आप रिलैक्सेशन दे रहे हैं, पुरुष को रिलैक्सेशन नहीं दे रहे हैं, सेम रूल तो आप एससी एसटी में या ओबीसी या बीसी कैटेगरी में फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये तो पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेटरी है। सर एक सवाल और बनता है, अभ्यर्थी जब मंत्री के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर हमको 5% रिजर्वेशन चाहिए, तो सीधे कहते हैं ईडब्ल्यूएस कोई कैटेगरी ही नहीं, कोई सेक्शन ही नहीं है। अब इस पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा कि मंत्री है, वो तो उनके पर्सनल ओपिनियन है, सेक्शन के बारे में कैटेगरी है या बिल्कुल कैटेगरी है, हम लोग तो संविधान की बात करते हैं, संविधान से हमें जो भी पावर मिला है संविधान से मिला है, और कोर्ट संविधान को टेस्ट करेगी ना कि मंत्री की बात को टेस्ट करेगी, और जो संविधान से हमको अधिकार मिला है कोर्ट तो उसका टेस्ट करेगी, तो कोई किसी का पर्सनल ओपिनियन क्या हो सकता है, उस पर तो हम कोई लीगल ओपिनियन दे नहीं सकते हैं, लेकिन जब आपने कोर्ट ये टेस्ट करती है कि डिस्क्रिमिनेशन है कि नहीं, और जब आप सेपरेट 10% रिजर्वेशन दे रहे हैं सीट्स में और उसका अलग से मेरिट तैयार कर रहे हैं, तो उसमें अंदर मेल और फीमेल के डिस्क्रिमिनेशन क्यों? सर एक सवाल और बनता है, चूंकि बिहार पुलिस में ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज को दिया जाता है आरक्षण, दिया जाता है हर एग्जाम में दिया जाता है, इनफैक्ट शिक्षा विभाग में भी अभी 2022 में हेडमास्टर की बहाली हुई है, हेड टीचर की बहाली हुई है, इसी बीपीएससी ने कंडक्ट कराया है, और अभी माध्यमिक में भी उन्होंने 5% रिलैक्सेशन देने की बात की है, आखिर इस बहाली में ऐसा क्या है कि इसमें नहीं दे रहे हैं? तो सर क्या इस केस को देख करके क्या लगता है कि यह केस किनके पक्ष में आने वाला है? मैं तो यही भगवान से मनाऊंगा और अपने पूरा मेहनत करूंगा कि इन लोग के पक्ष में आए, जहां तक मैं मेरिट की बात कर सकता हूँ वी हैव ए वेरी गुड केस, और मुझे लगता है और मेरा जो अनुमान है हम लोग के पक्ष में आनी चाहिए, लेकिन बाकी तो ऊपर वाले की मर्जी है, ये मैं ज्योतिष तो हूँ नहीं, मैं अधिवक्ता हूँ, इन लोग के पक्ष जो अभी आपके सामने बोला इन लोग के सामने भी बोला हूँ, यू हैव ए वेरी गुड केस और मुझे उम्मीद है कि हम लोग इसमें सफल होंगे।
सर आखिर में एक और सवाल, जो अभ्यर्थी परेशान है इधर उधर भटक रहे हैं, कभी अभ्यर्थी को लग रहा है कि हम जीतेंगे नहीं जीतेंगे, या हमारा केस हल्का पड़ जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा या मजबूत है? केस देखिए, केस आप क्या लीगल पॉइंट आप केस में रेज करते हैं उस पर डिपेंड करता है। हो सकता है इसी केस में अगर मैंने इस लीगल पॉइंट को रेज नहीं किया था, ये केस इट विल बिकम ए वेरी बैड केस, कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, नहीं, केस में यू हैव टू सो दैट कि डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, यह आर्बिट्रेरियनेस है, यह इलीगल है, यह कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल का वायोलेशन है, तभी तो केस खड़ा होता है। केस मेरिट पे खड़ा होता है, फैक्ट्स पे खड़ा नहीं होता है, लीगल पॉइंट पे खड़ा होता है। तो हमको ये डिसाइड करना है कि आप कोई भी अधिवक्ता, उनको ये देखना है कि हमने क्या लीगल पॉइंट रेस किया है, और अगर वो लीगल पॉइंट रेस करेंगे ऑफ कोर्स हाई कोर्ट उसको कंसीडर करेगी। सर अभी तक टोटल 30 अभ्यर्थी आपके पास है? अभी तक आज जो मैं रिट फाइल कर रहा हूँ 30 अभ्यर्थी की तरफ से, और भी मतलब और भी पाइपलाइन में है, और भी एक दो रिट ड्राफ्ट हो रहा है, कल से परसों तक वो भी फाइल हो जाएगा। टोटल अभी बीपीएससी 5% रिलैक्स, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में 5% रिजर्वेशन की मांग के लिए, और भी कोई केस आपके पास है? हाँ, नहीं, ईडब्ल्यूएस के अलावा शेड्यूल कास्ट के भी अभ्यर्थी आए हमारे पास, उसमें भी कुछ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है शिक्षक अभ्यर्थी। हाँ, शिक्षक अभ्यर्थी, उसमें भी कुछ काउंसलिंग में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, उन्होंने ओपन सीट कर दिया है सारे शेड्यूल कास्ट को, सारा सीट आधा सीट खाली रह गया है, जिसके कारण सिर्फ महिला का काउंसलिंग कर दिया गया है। तो उसपे मैं आपको बेहतर आगे बताऊंगा, क्योंकि वो अंडर प्रोसेस है ड्राफ्टिंग के, तो लीगली मैं आपको एक से दो दिन में आपको उस पर भी ब्रीफ कर सकता हूँ। लेकिन आज जो मैं ईडब्ल्यूएस का फाइल, तो जब तक सारे लीगल पॉइंट में रेज नहीं कर दूं, मैं भी पूरी तरह से आपको संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तमाम मुद्दों पर जो भी सवाल था ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के 5% रिजर्वेशन को लेकर के, जो भी सवाल था हमने सर से पूछा, और आगे जो भी सवाल आपके मन में होगा सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आप कितना संतुष्ट हैं, क्या ईडब्ल्यूएस को 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके लिए आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरा नाम अंकित भारद्वाज, पब्लिक रोल पॉइंट देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।